वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। मतलब फिल्म के हिंदी डब वर्जन का इंतजार करते करते लीजिए, फिल्म का कन्नड़ा वर्जन का डिजिटल प्रीमियर हो गया। जी दोस्तों, अवने श्रीमन नारायण का डिजिटल प्रीमियर हो चुका है और अब ये फिल्म आपको एमेजॉन प्राइम वीडियोस पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखने को मिल रही है। तो आप सभी को पता ही होगा कि फिल्म के लिए हम कितने ज्यादा एक्साइटेड थे और अब हम इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का इंतजार नहीं करने वाले थे और हमने ये फिल्म देख ली है। तो मतलब उलिदा वारू कांदंते के बाद ये रक्षित शेट्टी की मेरी दूसरी फिल्म थी और कहना चाहूंगा उनकी दोनों फिल्में देखने के बाद उनके लिए दिल में जो रिस्पेक्ट बनी है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल को काफी समय से फॉलो कर रहे हो या फिर आपने हमारे कुछ रिव्यूज अगर देखे हो तो आपको पता होगा कि हमें जो फ्रिक्शनल फिल्में होती हैं या फिर जहां पर थोड़ी क्रिएटिव फिल्में जो होती हैं वो कितनी ज्यादा पसंद है। मतलब अगर उन फिल्मों में क्रिएटिविटी हो या फिर कुछ नयापन हो तो हम उन फिल्मों को कितना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, भले ही वो चीजें अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट ना की गई हो फिर भी। पर यहां पर यानी कि अवने श्रीमन नारायण एक ऐसी फिक्शनल फिल्म है, एक इतनी कमाल की फिल्म है जहां पर आपको वो हर चीज देखने को मिलती है जो शायद आज तक अपने इंडियन सिनेमा में कभी नहीं देखा होगा। और वो हर चीज देखने को मिलती है जो एक मूवी लवर या फिर जो एक ऐसा मूवी लवर जो हमेशा कुछ नया देखने का चाहता है, उसे वो हर चीज इस फिल्म में देखने को मिलती है। और क्योंकि ऐसी फिल्में बनाने की हिम्मत कोई करता नहीं है और जब कोई कर लेता है तो उन्हें लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से ऐसी फिल्मों को स्क्रीन्स नहीं मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते हैं और फिल्म लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आते हैं फिल्म के रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहली बात, इस फिल्म के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया या फिर कहें इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इस फिल्म की कहानी। एक फिक्शन स्टोरी के हिसाब से इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही कमाल की है। तो अगर आप इस फिल्म में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर फिल्म में जितने भी लीड कैरेक्टर्स हैं उन सभी लीड कैरेक्टर्स की जो कहानी है उन सभी कहानियों के पीछे एक बैक स्टोरी भी चलती है और वो बैक स्टोरी भी इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो उन बैक स्टोरी के बदौलत उन सभी कैरेक्टर्स के जो कैरेक्टराइजेशन है और उन सभी कैरेक्टर्स की जो आइडियोलॉजी है वो इतनी मजबूत तरीके से स्क्रीन पे पेश की गई है कि फिल्म का एक भी कैरेक्टर अपने रोल से बाहर जाता हुआ नजर नहीं आता है। बात करें रक्षित शेट्टी की तो अपने अंदर काफी सारे शेड्स को लेकर श्रीमन नारायण के एक रोल को उन्होंने जिस तरीके से निभाया है वो सही में कमाल का है, क्योंकि वो इस फिल्म के राइटर्स सेक्शन के या फिर जितने भी फिल्म के राइटर्स थे उनका एक हिस्सा थे। मतलब फिल्म की कहानी को लिखने में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था, तो उन्हें पता था कि उन्हें किस टाइप का रोल करना चाहिए या फिर किस टाइप के रोल को वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निभा सकते हैं और उन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया और उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर को लिखा जिसके लिए वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। चाहे बात फिल्म में उनकी एंट्री की, फिल्म में उनकी डायलॉग डिलीवरी की, उनकी कॉमिक टाइमिंग की, उनकी चतुराई की, हर एक चीज इतनी परफेक्ट है इस फिल्म में कि वो आपको एंटरटेन करेगी, मतलब करेगी। मुझे याद नहीं कि इससे पहले मैंने ऐसी कब कौन सी फिल्म देखी थी जहां पर फिल्म के लिए 7 राइटर्स का इस्तेमाल किया गया हो। मतलब आजकल तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जितनी भी साउथ की फिल्में या फिर इंडियन फिल्में बन रही हैं वहां पे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वही फिल्म के राइटर्स होते हैं। मतलब राइटिंग को आजकल इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जा रही है, पर जहां पर आप देख सकते हो कि फिल्म के मेकर फिल्म की कहानी को लेकर कितने ज्यादा सीरियस थे और फिल्म की राइटिंग को लेकर कितने ज्यादा सीरियस थे कि उन्होंने फिल्म के लिए 7 राइटर्स रखे और कहना चाहूंगा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से फिल्म एक फिक्शन फिल्म होने के बावजूद भी फिल्म के काफी हिस्सों में फिल्म के कैरेक्टर्स और फिल्म की कहानी रियलिस्टिक नजर आती है। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो अच्छा है, जहां पर आपको फिल्म के फर्स्ट हाफ में श्रीमन नारायण की एंट्री, उनकी कॉमेडी और फिल्म का हैंडसअप सॉन्ग और फिल्म के फर्स्ट हाफ में आने वाले कुछ ट्विस्ट फिल्म के फर्स्ट हाफ को बहुत ही अच्छा बनाते हैं। पर कहना चाहूंगा फिल्म की जो असली जान है वो है फिल्म का सेकेंड हाफ। फिल्म के सेकेंड हाफ में जिस तरीके से समुद्र मंथन की जो पौराणिक कहानी को इस्तेमाल कर फिल्म के ट्रेजर हंट पोर्शन को डिजाइन किया गया है वो सही में कमाल का है और वो एक ऐसा चीज है या फिर कहीं वो एक ऐसा प्लॉट आता है फिल्म में जिसकी वजह से फिल्म हमें पूरी तरह से लास्ट तक पकड़े रखती है। और कहना चाहूंगा यहां पर आपको फिल्म की कमाल की राइटिंग देखने को मिलती है और क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। फिल्म का एक्शन बढ़िया है, ये एक फिक्शन फिल्म थी तो फिल्म के मेकर्स चाहते तो इस फिल्म में ओवर द टॉप एक्शन सीन्स डाल सकते थे, पर कहना चाहूंगा इस फिल्म में जो एक्शन सीन्स है वो ओवर द टॉप कहीं पर भी नहीं है। सारे के सारे एक्शन सीन्स काफी स्टाइलिश तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं और देखने में उन्हें काफी मजा भी आता है। फिल्म के दो गाने यानी कि हैंड्स अप और फिल्म का टाइटल ट्रैक बहुत ही पसंद आया, स्पेशली फिल्म का जो हैंड्स अप सॉन्ग था वो 2019 का मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग था, क्योंकि कहना चाहूंगा फिल्म के उस गाने के जो बीट्स हैं
वो सही में कमाल के हैं। फिल्म के जो ट्विस्ट हैं उन्हें आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, और कहना चाहूंगा सही मायनों में जो ट्विस्ट होते हैं वो ऐसे ही होने चाहिए। मतलब हर एक चीज आपके सामने रखी जाती है पर आप उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। पर कहना चाहूंगा इन ट्विस्ट के बावजूद भी फिल्म की जो कहानी थी वो मुझे थोड़ी सी लंबी नजर आई। 3 घंटे लंबी इस फिल्म को अगर एडिटिंग में थोड़ा 5-10 मिनट और छोटा किया जाता तो चीजों का जो इम्पैक्ट है वो और एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकता था। और मैं सोच रहा था कि फिल्म इतनी लंबी होने के बावजूद भी इम्पैक्ट इतना तगड़ा है, अगर इस फिल्म की जो एडिटिंग है वो थोड़ी और शार्प होती तो ये फिल्म कौन से लेवल पर पहुंच जाती। उलीदा वारु कांदंते और श्रीमन नारायण इन दोनों ही फिल्म में मुझे एक कॉमन पॉइंट देखने को मिला, और वो था फिल्म में, दोनों ही फिल्म में जो हिंदू पौराणिक कहानियां हैं उनका इस्तेमाल कर कर जिस तरीके से फिल्म में ट्विस्ट और फिल्म में इंटरेस्ट बनाने की कोशिश की है रक्षित शेट्टी ने, वो सही में कमाल का है। और कहना चाहूंगा अवने श्रीमन्नारायण एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर एक शख्स को बहुत कुछ सिखा जाती है, चाहे बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर्स को, फिल्म के राइटर्स, फिल्म के डायरेक्टर्स और कुछ एक्टर्स को जो लगातार रूटीन फिल्म में कर रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है इंडियन सिनेमा की, उन सभी लोगों को ये फिल्म बहुत कुछ सिखा जाती है और बता जाती है कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम इंडियन सिनेमा को आगे लेना चाहते हैं। तो फिल्म की कहानी जितनी दमदार है उतना ही दमदार है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, जो फिल्म की कहानी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। और कहना चाहूंगा इस फिल्म में आपको एक बहुत ही एक नया चीज देखने को मिलेगा, जिस तरीके से कुछ सीन्स में श्रीमन नारायण यानी कि रक्षित शेट्टी कुछ सीन्स को एक्सप्लेन करते हैं पीछे जाकर उन्हीं सीन्स में, वहां पर वो जो चीज है वो मुझे काफी नई नजर आई। और कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को देखने के बाद काफी सारे फिल्म मेकर्स इस चीज को अपनी फिल्म में आने वाले समय में यूज जरूर करने वाले हैं। एक लिमिटेड बजट में बनी इस फिल्म में जिस तरीके का VFX और जिस तरीके का आर्ट डिजाइन आपको देखने को मिलेगा उसे देखकर आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाओगे कि लिमिटेड बजट फिल्म है, क्योंकि फिल्म का VFX और आर्ट डिजाइन कमाल का है। और जिस तरीके से अमरावती शहर नाम के फिक्शनल सिटी को डिजाइन किया गया है वो सही में क्रिएटिविटी के एक अलग ही लेवल को दर्शाता है, जहां पर आपको उस शहर में डाकू नजर आएंगे, नेता नजर आएंगे, पुलिस ऑफिसर नजर आएंगे, काउबॉय टाइप के सुपारी किलर या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स नजर आएंगे। और कहना चाहूंगा जिस तरीके के उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, जिस तरीके का वो पूरा किला डिजाइन किया गया है वो सही में सब कमाल का है। फिल्म के एक्शन सीन्स और फिल्म के क्लाइमेक्स में आने वाला जो VFX है वो भी बहुत ही कमाल का है, और हर एक चीज कोशिश करती है कि जितना हो सके चीजों को रियलिस्टिक दिखाया जाए। तो ओवरऑल कहा जाए तो अवने श्रीमन्नारायण एक कमाल की ट्रेजर हंट फिल्म है, जहां पर आपको इस फिल्म में कॉमेडी, ट्विस्ट, एक्शन, ड्रामा हर एक चीज देखने को मिलता है। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4.7 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म पहले ही देख ली है आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का इंतजार कर रहे हैं या फिर आप इस फिल्म को अब कन्नड़ा में देखने वाले हैं। दोस्तों यहीं तक था आज का मेरा छोटा सा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।